आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं टाटा स्टील स्टॉक के बारे में। ओवरऑल इस स्टॉक को लेकर के पर्सनली मेरा व्यू अभी भी बियरिश है। बहुत सारे लोगों का कंटिन्यूअस मैसेज आते हुए दिख रहा था व्हाट्सएप के थ्रू कि सर इस स्टॉक में ऑलरेडी हमने ऊपर की बाइंग कर रखी है तो इस समय क्या करना चाहिए। आपको बता दूं टाटा स्टील इस समय 14 महीने के निचले स्तर पर ट्रेड होते हुए दिख रहा है और ब्रोकरेज हाउसेस जितने भी थे उसने भी इसके टारगेट घटाए हैं। तो ओवरऑल इस समय टेक्निकली भी देखेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है। 838-840 के लेवल को ब्रेक करती है, इसके नीचे का क्लोजिंग देती है तो सियोरली इस स्टॉक में 720-680 तक के लेवल्स दिखेंगे। ऑलरेडी अगर होल्डिंग है और इन्वेस्टमेंट पर्पज से बाइंग कर रखा है तो पोजीशन बनाए रखें, पैनिक सेलिंग नहीं करें। लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडर और ऑप्शन के थ्रू जिस किसी ने भी इस स्टॉक को लॉन्ग कर रखा है इमीडिएट एग्जिट करें। 860 के ऊपर का क्लोजिंग जब तक नहीं देता है तब तक के लिए मेरा पर्सनली व्यू इस स्टॉक में बियरिश है, तो लॉन्ग करने की गलती नहीं करना चाहिए।